पृथ्वीपुर के ग्राम चौवा में खाद्यान्न पर्ची को लेकर सेल्समैन और ग्रामीणों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट कर दी। शिकायत पर पृथ्वीपुर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सेल्समैन मनीष कुशवाहा ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर राशन वितरण कर रहा था। उसी समय गांव के सत्येंद्र साहू एवं उसका भाई रामकुमार एवं पिता जयराम साहू तीनों लोग आए और राशन की पर्ची बनाने को लेकर दबाव डालने लगे। जब सेल्समैन ने इस बात का विरोध किया तो तीनों लोगों ने मारपीट करने के साथ मशीन और रिकॉर्ड में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। वहीं मौके पर पहुंचे डिप्टी कलेक्टर कुशल सिंह गौतम ने ग्रामीणों को समझाइश देने के बाद मामले को संज्ञान में लिया। हम सवेरे से पीवीएस मशीन चला रहे थे, तो जब सत्येंद्र कुमार साहब आए तो बोले हमसे कि हमारी पर्ची निकाल दो। बोले हम ठीक है भाई, हम आपकी पर्ची निकाल देते हैं। सो इनकी पर्ची भी निकाल दी हमने। पर्ची निकालने के बाद बोले इसका पैसा नहीं लगेगा। एक माह का पीएम वाला बट रहा था, एक माह का पैसा लग रहा था। उन्होंने बोले कि आपका 25 रुपये, जैसे 21 रुपये हुए हमको 20 रुपये दे दो। कहते नहीं, हमारा एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो इसके बाद ये माँ बहन की गाली देने लगे। गाली देने के बाद बोले नहीं, वो चौवा समिति के पास जब दुकान थी तो वो कहते मेरे को 1 क्विंटल देते थे। जब से तुमने आई है तुम मेरे को इतना क्यों दे रही हो? उन्होंने हमने भाई साहब इतना ही मिलेगा। इसके बाद हमने हमारी मशीन उठा के मशीन जमीन पर पटाई थी, मशीन फूट गई और रेस्ट टाइम रिकॉर्ड भी फाड़ दिया हमारा। कितने लोग थे ये लोग जो आए थे? ये लोग 3 लोग थे। अच्छा, जयराम साहू, राम कुमार साहू और सत्येंद्र साहू।